हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि रीवा का गुस्सा ईशान ने उतारा सभी पर, तो वहीं प्रीति ने दिखाया ईशान को सभी का वीडियो और यहीं पर उड़े ईशान के होश। जी हाँ दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां ईशान के सामने ये सच्चाई आ जाएगी कि सभी ने चोरी छुपे रीवा की एंट्री करवाई थी कॉलेज में, तो वहीं ईशान का भयंकर गुस्सा सभी पर फूटेगा, जहां पर ईशान गुस्से में सभी को वार्निंग दे देगा और कहेगा कि 45 मिनट के अंदर ही अंदर कॉलेज पहुँचो वरना बहुत बुरा हो जाएगा, जहाँ सभी भी ईशान के गुस्से से काफी ज्यादा डर जाएगी और वहां से निकलने ही वाली होगी कि तभी नीनाद सभी का हाथ पकड़ लेगा और उसे रुकने के लिए कह देगा अपने पास, तो वहीं सभी नीनाद की बात को नहीं टाल पाएगी और चाह के भी नहीं जा पाएगी। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां ईशान गुस्से से सभी का कॉलेज के गेट के बाहर ही इंतजार कर रहा होगा, तो वहीं सभी भी कॉलेज आ जाएगी लेकिन उसको आने में पूरे के पूरे 3 घंटे बीत चुके होंगे, जहां ईशान सभी को अपनी घड़ी दिखाते हुए नजर आने वाला है और ये कहते हुए नजर आने वाला है कि तुम इस कॉलेज को और यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन को मजाक बना के रख दिया है तुमने, मैंने तुम्हें 45 मिनट के अंदर आने को कहा था लेकिन तुम तो पूरे 3 घंटे लेट आई हो, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें किसी का कोई डर ही नहीं है और ना कोई परवाह है, तुम्हारा तो इस कॉलेज पर राज चलता है, तभी तो बड़ी ही चालाकी से तुमने उस लड़की को इस कॉलेज के अंदर एंटर करवा दिया और जबकि तुम्हें पता था कि वो लड़की इस कॉलेज में अलाउड ही नहीं है। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां ईशान सभी की किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं होगा और कह देगा कि तुमने मेरे दिए गए ऑर्डर को फॉलो नहीं किया इसलिए आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा सस्पेंशन लेटर ऑलरेडी रेडी करवा दिया था तो तुम उसे मेरे टेबल पर जाके ले सकती हो, तो वहीं सभी रोती हुई वहां से चली जाएगी कि तभी सभी टकराने वाली है प्रीति और काजल से, जहां सभी उन दोनों को दिखाने वाली है अपना सस्पेंशन लेटर। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां प्रीति खुद को रोक नहीं पाएगी और वो सभी के लिए स्टैंड लेगी और सीधे पहुंचने जाएगी ईशान के पास और ये कहती हुई नजर आएगी कि ईशान सर, आपने सभी के साथ बहुत गलत किया, आपको पता भी है कि सभी इस वक्त कितनी बड़ी मुसीबत में है, अगर आपको यकीन ना हो मेरी बात पर तो खुद देख लीजिए ये वीडियो, तो वहीं ईशान वो वीडियो देखेगा कि किस तरह से सभी अपने आजूबा के लिए हॉस्पिटल में बेड बना रही है, उनका ख्याल रख रही है और उसके आजूबा के कारण ही उसे हॉस्पिटल में रुकना पड़ा क्योंकि उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, तो वहीं दोस्तों वीडियो देखकर ईशान को होगा अपनी गलती का एहसास और मांगेगा सभी से माफ़ी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।